वीडियो एडिटिंग करते करते मैं बोर हो गया था, तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा यूट्यूब स्क्रॉल कर लिया जाए। तो मैंने देखा दिलजीत दोसांझ की एक नई मूवी आ रही है, तो उसके ट्रेलर को मैंने यहाँ पे ओपन किया। तो मुझे ये टाइटल एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाया जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं इस वीडियो का एडिटिंग ब्रेकडाउन करने वाला हूं, इस टाइटल एनिमेशन का एडिटिंग ब्रेकडाउन करने वाला हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके का एंगेजिंग टाइटल एनिमेशन मोशन ग्राफिक्स यदि आपको क्रिएट करना है आपके किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। पहले तो आफ्टर इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी एंड दूसरा फोटोशॉप की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर का यूज करके हम यहाँ पे इस टाइप का एनिमेशन जो है क्रिएट करने वाले हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे प्रीमियर प्रो का यूज करके हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो। बस थोड़ा सा चीजें प्रॉब्लम क्या रहती है कि प्रीमियर में उतनी अच्छी आप एडवांस लेवल का आप जो ग्राफिक्स है वो क्रिएट नहीं कर सकते, वो विजुअलाइजेशन जो है नहीं ला सकते प्रीमियर में। इसलिए आफ्टर इफेक्ट में हम करेंगे, क्योंकि हम आफ्टर इफेक्ट में आपने जैसा देखा है तो उससे थोड़ा सा बेटर हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आइकन वगैरह हमको जरूरत है उन सभी आइकन्स को एक साथ जो है हम यहाँ पे कलेक्ट करके पहले से रख लेंगे रेडी करके। देन इसके बाद में हम उसको आफ्टर इफेक्ट के अंदर इंपोर्ट करेंगे और फिर उसको जो हम एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हमको सारे आइकन्स वगैरह जितने भी हमें यूज करने हैं इसके अंदर, इन सभी को हम पहले रेडी कर लेते हैं। तो हम चलते हैं पहले फोटोशॉप में और मैं फटाफट से जो है इन सभी को आपको रेडी करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। अब जितनी भी इमेजेस वगैरह है ये सारी इमेजेस जो है मैं इसमें इंपोर्ट कर लेता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, तो ये काफी सारी इस टाइप की इमेजेस मैंने जो है यहां पे डाउनलोड करके रखी हुई थी। तो इन सभी इमेजेस में से जो मेन आइकन है हमारे उनको हम डाउनलोड कर लेंगे जो हमें यूज होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे कई सारी चीजों का, कई सारे एलिमेंट्स का यूज किया गया। लाइक जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे ये अलग अलग एलिमेंट्स यूज किए गए हैं। तो इन सभी को बोलते क्या ये मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले। तो इनको आप डायरेक्टली ऐसे सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप के आर्ट वर्क नहीं देखने मिलेंगे, बिकॉज इनको बोलते हैं डूडल। आप नॉर्मल PNG इमेजेस सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप से नहीं देखने मिलेगा। इस टाइप के यदि आपको कोई PNG इमेजेस वगैरह, कोई आइकन वगैरह डाउनलोड करना है तो उसके आगे आप डूडल जरूर ऐड कर दें ताकि आपको इस टाइप का लुक जो है देखने मिले। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कई सारी इमेजेस जो है डाउनलोड कर रखी हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ इस टाइप से काफी सारी चीजें जो है डाउनलोड करके रख ली है। मैं तो इन सभी को फोटोशॉप में इंपोर्ट करूंगा, देन इनको PNG कटआउट में क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर जो है इन सभी को इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, और इनमें से जो भी बेस्ट इमेजेस है उनको हम इंपोर्ट करेंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ठीक है, तो पहले मैं PNG कटआउट यहाँ पे सभी का निकाल लेता हूँ, देन इसके बाद में जो है हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमको उस टाइप से लुक चाहिए है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेपर प्लेन है यहाँ पे, तो इसका लुक के लिए हमको क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ये दिखाई दे रहा है। हम इसको PNG कटआउट बना लेंगे। तो सिंपल हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसको जो है इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब Ctrl+C Ctrl+V कर देंगे हम, तो ये एक इमेज आ चुकी है हमारे पास में, तो बाकी सबको डिलीट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो इस इमेज का यहाँ पे हमको बैकग्राउंड रिमूव कर देना है, तो सिंपल रिमूव बैकग्राउंड पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। आप लोगों के पास में पुराना वर्जन है तो सिंपल आपके पास में साइड में ऑप्शन आता है क्विक एक्शन का रिमूव बैकग्राउंड का, तो यहाँ से आप डायरेक्टली जो है बैकग्राउंड इसका रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे सिंपल इसका जो बैकग्राउंड है हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो सिंपल हमें करना क्या है कि यहाँ से इसको जो है हम डिलीट कर देंगे। तो ये जो है बैकग्राउंड हमारा इसका रिमूव हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि और भी चीजें लेनी, लाइक जैसे कि यहाँ पे यदि हम पुलिस वाला जो बैच था ये यहाँ पे यूज किया गया है, तो पुलिस बैच के लिए हमारे पास में भी काफी सारे ऑप्शन है। लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो ये देखिए कुछ इमेजेस वगैरह जो है मैंने यहाँ पे डाउनलोड की हुई हैं। ये देखिए इस टाइप से इमेजेस हैं, तो यहाँ से कुछ चीजें ले सकते हैं हम। लाइक जैसे कि हम यहाँ से ये बार बैच ले सकते हैं पुलिस वाला बैच, या तो आप ये बैच यूज कर लें या तो ये बैच यूज कर लें, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। सायरन वाला वहाँ पे था तो सायरन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है कि इसको हम जो है यहाँ से कटआउट निकाल लेते हैं। लाइक जैसे कि ये हमने कटआउट निकाल लिया एक, तो इसको सिंपल हम क्या करेंगे कन्वर्ट टू लेयर पहले कर देंगे ताकि हम इसको जो है एडिट कर सकें। देन कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो ये यहाँ पे पुलिस का बैच आ चुका है, और यहाँ से एक सायरन को कटआउट कर देते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हमने सायरन को कटआउट कर दिया, तो ये यहाँ पे हमने सायरन कटआउट कर दिया, तो ये देखिए एक सायरन आ चुका है हमारे पास में। और भी जो चीज चाहिए हम यहाँ से कटआउट कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला चाहिए हमको या तो ये चाहिए, तो जो भी चाहिए आप उनको जो है डायरेक्टली यहाँ से कटआउट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं क्या करूंगा कि यहाँ से एक सिलेक्शन बना लूंगा। तो जो भी इमेजेस ले रहे हैं हम एक टाइप की इमेजेस लेंगे तो ज्यादा बेटर वहाँ पे रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। तो ये देखिए ये हमने ले लिया, तो इसको सिंपल मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो ये एक अलग हो गया। और हमें इस टाइप से कितनी चीजें चाहिए, हमें समथिंग 1 2 3 4 5 समथिंग
थिंक 5 चीजें चाहिए। तो ये झूला भी हमने जो डाउनलोड किया हुआ था, तो इसको मैं देख लेता हूँ कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, देन इसके बाद में इसको जो हम इम्पोर्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ इमेजेस वगैरह थी, तो इनको भी हम डायरेक्टली यहाँ पे इम्पोर्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये ग्लासेस, ये बैच और ये जो है लॉकर और ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, सिंपली हमको इनको जो है पीएनजी कटआउट निकाल लेना है। तो जैसे कि मैं ये वाला एक पीएनजी कटआउट निकाल ले रहा हूँ, तो सिंपल मेरे को करना क्या है कि यहाँ पे इस इमेज का जो है सिलेक्शन हम बना लेंगे। तो सिंपल इस इमेज को पहले हम क्या करते हैं, कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर कर देंगे, एंड इसके बाद में हमको इसका सिलेक्शन बना लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ इसका सिलेक्शन, सिंपल हम रफ सिलेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे अरेंज करके रख ली हुई हैं। अब इनको जो है मैं सेट करूंगा बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स हमारा जो बैकग्राउंड है कुछ इस टाइप से आपको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे ब्लू कलर का एक यहाँ पे बैकग्राउंड लिया हुआ है हमने, और ये जो स्काई है स्काई अलग से जो है मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, तो उनको डायरेक्टली मैं यूज कर लूंगा। सिंपल हमें करना क्या है कि इन सारी इमेजेस को जो है हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये स्काई है तो स्काई को सिंपल हम क्या करेंगे कि जो भी शेप हमें चाहिए तो उस शेप को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। लाइक जैसे कि मुझे ये वाला चाहिए है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दूंगा, तो इसको भी मैंने यहाँ पे रख लिया है। और यहाँ से और दूसरा कोई शेप मैं चाहूँ तो और ले सकते, जैसे कि ये वाला ले लेते हैं हम, ये शेप ले लिया हमने। तो इस तरीके से 2-3 शेप ले लेंगे हम स्काई की भी। तो अब ये सारे शेप्स को जो है हम यूज करने वाले हैं, तो इसको सबसे पहले हम इस PSD फाइल को सेव कर लेते हैं, देन चलते हैं हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर और वहां पे हम जो है इसको इम्पोर्ट करेंगे। तो सिंपल इस PSD फाइल को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमको इसको सेव करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो PSD फाइल है ये सेव कर ली है। अब सिंपल हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर और आफ्टर इफेक्ट के अंदर जो है हम उस फाइल को इम्पोर्ट करेंगे। तो सिंपल मेरे को करना क्या है कि यहाँ पे PSD फाइल को जो है मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, लेकिन यहाँ पे कंपोजिशन एंड रिटेन लेयर सिलेक्ट कर लूंगा, देन इसके बाद में मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पे आप एडिटेबल लेयर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है, देन यहाँ पे इसको आपको ओके कर देना है। देन आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे आइकन जो है यहाँ पे आ चुके हैं। अब सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे पीछे जो बैकग्राउंड, आपको बैकग्राउंड कलर जो भी लेना है आपको, तो वो कलर लेकर के आपको सिंपल जितने भी आइकन चाहिए वो सभी को इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पे कंपोजिशन की जो साइज है मैं यहाँ पे सिंपल 1920x1080p रख लेता हूँ। अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है। तो सिंपल मैं एक सॉलिड से यहाँ पे बैकग्राउंड क्रिएट कर लूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड जैसे कि वहां पे था वैसे बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अभी हम इसमें जो डिटेल्स वगैरह वो सारी चीजें डालेंगे, बट उससे पहले हमें करना क्या है कि जो आइकन्स हैं तो आइकन्स को सभी को इंपोर्ट कर लेना है। तो सिंपल मैंने सारे आइकन्स को सिलेक्ट किया, कॉपी करके मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। तो ये देखिए सारे आइकन्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब इनका जो ब्लेंडिंग मोड है वो हम चेंज कर देंगे। लाइक जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी भी आइकन को, इस आइकन को छोड़ देते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे मैंने सपोज इस आइकन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसका ब्लेंडिंग मोड यदि चेंज कर दूंगा तो मैं इसको यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो अब हमें करना क्या है कि इन सारे आइकन्स को हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाले PSD को बस छोड़ देते हैं हम यहाँ पे, इस PSD को प्लेन को छोड़ देंगे हम। तो इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, एंड सारे आइकन्स को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से आपको देखने मिल गए हैं। तो स्काई को आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो जितने भी स्काई है यहाँ पे मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लूंगा एंड इनको नॉर्मल कर देंगे हम यहाँ पे। तो ये हमने नॉर्मल कर दिया स्काई को, देन इसके बाद में स्काई का जो कलर है हम यहाँ पे कर देते हैं एक्वा, ताकि ये स्काई का कलर भी हमको समझ में आ जाए। अब इसके बाद में इन सभी लोग आइकन्स को यहाँ पे आपको प्लेस कर लेना, कहाँ पे आपको किस टाइप से आइकन दिखाना है, तो इस तरीके से आपको प्लेस कर लेना है। ये देखिए कुछ इस टाइप से आपको प्लेस कर लेना है। इनकी जो साइज वगैरह वो आपको एडजस्ट कर लेनी है, कितनी क्या दिखानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इन सब की साइज जो है एडजस्ट कर ली कुछ इसके अकॉर्डिंग। आप जितना भी साइज आप रखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे रख लेना है। जो यहाँ पे स्काई है इनकी प्लेसमेंट आपको देख लेनी है कि कहाँ पे देनी है, इस तरीके से आपको जो है प्लेस कर देना है। तो जहाँ भी आप प्लेसमेंट देना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्लेस कर। तो अब वीडियो में देख लेते हैं वीडियो में कुछ किस टाइप से लुक है, तो कुछ इस टाइप से लुक आपको देखने मिल जाता है वीडियो के अंदर। तो सिंपल आपको क्या करना है कि इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। तो इन सारे लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे एंड इन सभी लेयर्स की जो ओपेसिटी है वो हम कम कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसकी 50% ओपेसिटी। तो कुछ इस टाइप का लुक आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। देन अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे इन सभी में आपको एनिमेशन देना है, ठीक है। तो एनिमेशन देने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और आप जो है इसका साइज वगैरह जो है एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसका साइज एडजस्ट। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से हमने साइज दे दिया है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे एनिमेशन देना है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये प्लेन जो है यहाँ से ऐसे मूव करते हुए जा रहा है, तो इस प्लेन के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, एक पाथ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है एक सिंपल इस तरीके से पाथ ड्रॉ कर लिया है। तो ये देखिए मैंने सिंपल एक एरो यहाँ पे दे दी है। इसका जो फिल है मैं ऑफ कर दूंगा एंड यहाँ पे इसका जो विड्थ है इसका मैं बढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे के साइड में जो डार्क ब्लू कलर का है, और यहाँ पे जो स्काई
पीछे बैकग्राउंड है ये लाइट ब्लू है और हमने यहाँ पे काफी ज्यादा डार्क ब्लू दे दिया है, तो अभी इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देन इसके बाद में यहाँ पे सिंपल हमने एक डार्क कलर ले लिया है एंड इसमें जो है आपको करना क्या है कि यहाँ पे इस पाथ को इस तरीके से आपको कर देना है। एंड फ्रेंड्स जो आपका जो पाथ है इसको आपको एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा कर्व टाइप से आपको कर लेना ताकि ये पूरा स्ट्रेट ना दिखाई दे, तो डायरेक्टली थोड़ा सा आपको पाथ को कर्व कर लेना है आपको अपने हिसाब से, जैसा भी आप चाहते हैं वैसा आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कर दिया है। अब आपको सिंपल करना क्या है कि यहाँ पे डैशेस लाइन ऐड करनी है। तो सिंपल इसको डैश लाइन कैसे ऐड करेंगे, तो सिंपल हम जाएंगे यहाँ पे कंटेंट के अंदर शेप में और स्ट्रोक पे जाने के बाद में इसको हम यहाँ पे डैश लाइन पे क्लिक कर देंगे। इसका जो डैश का साइज है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं जितना भी आप रखना चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए मैंने इतना रख लिया। अब बट कैप को हम यहाँ पे राउंड कैप कर देंगे तो ये डिजाइन कुछ इस टाइप से आपको देखने मिल जाता है। अब सिंपल आपको करना क्या है कि इसका जो पाथ है वो हम कॉपी कर लेंगे। तो सिंपल यहाँ पे आपको पाथ को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जो प्लेन है, तो प्लेन हमने यहाँ पे रखा हुआ था ये वाला जो लेयर है, तो इसके पोजीशन पे जाना है आपको और पोजीशन पे जाने के बाद में इसको पेस्ट कर देना है। तो ये आप देखेंगे कुछ इस तरीके से एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो आपको इसकी टाइमिंग एडजस्ट कर लेनी, तो ऑल्ट के साथ में इसको आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए, लाइक जैसे मैं 5 सेकंड का एनिमेशन दे दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से एनिमेशन यहाँ पे जा रहा है पूरा। बट आपको करना क्या है कि इसको जो है इजीएस कर देना, तो सिंपल हमने F9 कर दिया एंड यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है हम इसको भी सेम कर देंगे ताकि एनिमेशन सेम टाइम पे हो। तो कुछ इस टाइप का एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा एनिमेशन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब हमें करना क्या है कि इसके जो डायरेक्शन है, अब यहाँ पे कहीं पे भी जो हमारा पाथ है और जितने भी इमेजेस हमने यूज की हुई है, लाइक जैसे कि ये सारी इमेजेस हैं, तो ये सारी इमेजेस ओवरले ना करें। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऊपर रख देंगे, इस पाथ के ऊपर रख देंगे हम इस इमेज को, ठीक है। देन हमको करना क्या है कि यहाँ पे जैसे कि जितने भी इमेजेस वगैरह हैं आपको इसको प्रॉपर एडजस्ट कर लेना है सही से, ताकि जो भी टेक्स्ट वगैरह आप ऐड करोगे तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरले ना करें। तो अब यहाँ पे इस तरीके से हमने रख लिया है। अब आपको करना क्या है कि ये जितनी भी इमेजेस हैं, तो वहां पे आपने देखा कि यहाँ पे सारी इमेजेस स्टिल है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक थोड़ा सा मूवमेंट देंगे ताकि वो चीज देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको सिंपल करना क्या है, यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे कि इन सारी इमेजेस के अंदर जो इनकी पोजीशन है, तो इन पोजीशन पे हम जाकर के यहाँ पे इसको विगल लगा देंगे। तो यहाँ पे सिंपल आप टाइप करेंगे विगल एंड यहाँ पे आपको एक मूवमेंट दे देने, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे 1 एंड 3 दे दी है। अब आप देखेंगे तो ये यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। तो आप किसी में विगल लगा सकते हैं, किसी में रोटेशन लगा सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगता है वो करिए। लाइक जैसे कि इस इमेज पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ रोटेशन, देखिए रोटेशन पे दे दिया मैंने, यहाँ पे विगल लगा दिया मैंने एंड यहाँ पे 1 एंड 2 यहाँ पे दे दिया मैंने। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू दे दी है। तो अब ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मूव कर रहा है, तो ये काफी अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरीके से हमको सभी में आपको जो जो जहां जहां पे भी आपको लगता है तो ये आपको वैल्यू दे देनी है इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे सिंपल मैं दे दे रहा हूँ, जैसे कि ये वाला है स्काई, तो स्काई में सिंपल मैं दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे रोटेशन पे की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी सिंपल। ये देखिए इस तरीके से मेरे को सभी जितने भी आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, तो इस तरीके से आपको सभी में दे देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सभी में यहाँ पे जो है विगल का जो है यहाँ पे दे दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सभी जितने भी आइकन्स यहाँ पे यूज किए गए सभी मैंने विगल का दे दिया है। अब देख रहे हैं सभी थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे देखिए सभी में मूवमेंट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो रही है। अब आपका जो बैकग्राउंड का कलर है और यहाँ पे जो बैकग्राउंड का कलर, दोनों में डिफरेंस आपको देखने मिल रहा है एंड यहाँ पे एक टेक्सचर आपको देखने मिल रहा है जो कि हमने वहां पे अप्लाई नहीं किया है। तो सेम आपको एक प्रॉपर अच्छा सा एक टेक्सचर अप्लाई कर देना जो कि मैं आपको लोगों को दिखाऊंगा। तो सिंपल आपको करना क्या है कि कलर यदि आपको सेम लेना है तो एज इट इज आपको सिंपल करना क्या है कि यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट ले लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये स्क्रीन शॉट ले लिया है। अब इस स्क्रीन शॉट को मैं जो है सेव कर लूंगा, तो सिंपल मैंने यहाँ पे ये स्क्रीन शॉट को इम्पोर्ट कर दिया है। अब बैकग्राउंड पे जाकर के मुझे सिंपल करना क्या है कि इसमें एक इफेक्ट डाल देना फिल एंड फिल डालने के बाद में यहाँ पे जो कलर है वो मैं कलर यहाँ से पिक कर लूंगा एंड आपको जो ये इमेज है अब ये हाइड कर देनी है, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से आपका लुक जो है ओवरऑल देखने मिल जा रहा है आपको, बट यहाँ पे अभी भी परफेक्ट नहीं हुआ है। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा अब आपको टेक्स्ट वगैरह जो भी ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से एक टेक्स्ट ऐड कर लिया है, इस तरीके से हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लिया। तो इसको सिंपल हम सिंपल रोटेट कर देंगे थोड़ा सा, तो ये देखिए थोड़ा सा हमने इसको रोटेट कर दिया है एंड हम क्या करेंगे यहाँ पे इसमें सेम टाइप का जो कलर है यदि आपको डालना है तो आप सेम टाइप से कलर डाल सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ से कलर पिक करना है और ये यहाँ पे अप्लाई कर देन। इसके बाद में आपको यहाँ पे डालना है ड्रॉप शैडो, तो पहले हम इसको यहाँ पे हाइड कर देंगे, यहाँ पे डालेंगे ड्रॉप शैडो एंड यहाँ पे ड्रॉप शैडो डालने के बाद में आपकी इसको ओपेसिटी 100% करनी है एंड इसकी डिस्टेंस को बढ़ाना है आपको एंड यहाँ पे जो सॉफ्टनेस है ये बढ़ा देनी है आपको। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से आपको कर देना है। अब सिंपल आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको इसको डुप्लीकेट कर देना है एंड यहाँ पे डुप्लीकेट करने के बाद में इसकी जो सॉफ्टनेस है ये आपको बढ़ा देनी है। तो ये देखिए कुछ
इस टाइप का लुक आपको देखने मिल गया है। तो एज इट इज आपको जब बनाना है सेम टाइप से तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे व्हाइट कलर भी ले सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छा लगेगा देखने में। एंड इसकी जो शेडो है इसको आप कम कर सकते हो ओपेसिटी वगैरह। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का लुक आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप से हमने जो इसका लुक है ओवरऑल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, जो कि काफी सही लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे आप सिंपल टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइपराइटर लगा दे रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे सिंपल टाइपराइटर आ चुका है। तो ये कुछ इस टाइप से आपको देखने मिल जाएगा लुक। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये चीज लगाने के बाद में आपको जो प्लेन है प्लेन को सबसे ऊपर ले जाना है टॉप में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपका लुक जो है कुछ इस टाइप से देखने मिल जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या है कि जितने भी टेक्स्ट वगैरह आपने ऐड करना है, जो भी ऐड करना चाहते हैं, तो उस टाइप से ऐड कर दिया। एंड यहाँ पे कुछ फाइनली लुक जो है आपको ऐसा देखने मिल रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे हमको जो वो वाला लुक था फील था वो अभी देखने नहीं मिल रहा है। सिंपल हमें यहाँ पे एक टेक्सचर ऐड करना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे एक टेक्सचर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे एक जो है टेक्सचर ऐड करूंगा यहाँ पे सिंपल। तो ये देखिए बहुत सारे टेक्सचर है हमारे पास में, तो सिंपल हम कोई सा भी एक टेक्सचर जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो फिलहाल के लिए मैं दो तीन टेक्सचर यहाँ पे इम्पोर्ट कर ले रहा हूँ, जो भी हमें बेस्ट लगेगा वो हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे एक टेक्सचर जो है डाला है यहाँ पे सिंपल, मैं बैकग्राउंड के जस्ट ऊपर हमको ये इमेज रखनी है। तो ये देखिए कुछ स्टेप से हमने इमेज रख ली है। एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड है ये आपको यहाँ पे कर देना है स्क्रीन। एंड स्क्रीन करने के बाद में यदि आपको डार्क लग रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड इसकी जो ओपेसिटी है ओपेसिटी आपको कर देना है कम। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ समथिंग इतना इसका टेक्सचर का जो ओपेसिटी है कर दिया है 25 कर देते हैं हम इसको, क्योंकि काफी अच्छा लुक आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल आपको एक सॉलिड क्रिएट करने नहीं है यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक सॉलिड क्रिएट कर दी है। अब सबसे ऊपर आपने सॉलिड क्रिएट कर दी, अब ये जो है आप जो है यहाँ पे ब्लैक कलर की सॉलिड क्रिएट कर सकते हैं यदि आपको सिनेमेटिक लुक आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, या फिर आप प्रीमियर के अंदर भी सेम चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपने ये चीज कर दी है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक मास्क क्रिएट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक मास्क क्रिएट कर दिया। इस तरीके से आपको एक मास्क बना लेना है। एंड आपको करना क्या है कि यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपका जो मास्क है इसको आपको एडजस्ट कर लेना है कि ये पूरा सेंटर पे रहे, तो ये चीज का ध्यान रखना है आप। एंड ये जो आप लुक देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसका जो लुक है ओवरऑल पूरा सिनेमेटिक लुक आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये देखें ये बहुत ही अच्छा सिनेमेटिक लुक आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा है। तो इस टाइप से आप पूरा सिनेमेटिक लुक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनल एक चीज आपको करनी है कि यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट लेनी है, और इसमें डालना है आपको पोस्टराइज टाइम। ठीक है, तो ये पोस्टराइज टाइम जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पे सिंपल आपको 7 कर देना है। तो अब जो ओवरऑल लुक आपको देखने मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छा लुक आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। सेम उसी टाइप का लुक आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है कि जैसा आपने वहां देखा था मूवीज में, कुछ उस टाइप का लुक आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा। और इसमें आप थोड़ा सा डेप्थ देना चाहते हैं, तो सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक सॉलिड क्रिएट कर लेनी है आपको ब्लैक कलर की। तो सिंपल मैंने एक ब्लैक सॉलिड क्रिएट कर लिया है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है एक एलिप्स टूल ले लेना है, आपको कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक कर देना है इसके ऊपर। एंड यहाँ पे इसमें जो है आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में इसमें जो फेदर है आपको बढ़ा देना है, तो समथिंग आपको कर देना है यहाँ पे 350। एंड 350 फेदर करते ही आपको यहाँ पे इसकी जो ओपेसिटी है वो आपको कर देना है सिंपल 60% के समथिंग कर देना है इसकी ओपेसिटी। तो ये देखिए हमने समथिंग 60% कर दी है। अब इसका जो मास्क है वो आपको कॉपी कर लेना, तो ये हमने मास्क को कॉपी कर लिया है। एंड यहाँ पे जाना है आपको एक एडजस्टमेंट लेयर लेनी है, एंड इसमें डालना है आपको गॉसियन ब्लर, या फिर आप डाल सकते हैं फास्ट बॉक्स ब्लर। सिंपल आपको फास्ट बॉक्स ब्लर डाल देना है, यहाँ पे आपको 3 नंबर कर देना है। एंड यहाँ पे या फिर ज्यादा लग रहा है तो 2 कर दीजिए आप इसको। एंड इसमें आपको जो मास्क है वो पेस्ट कर देना है, तो ये देखिए मास्क हमने पेस्ट कर दिया है। तो ये काफी अच्छा लुक आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा है। और इन दोनों वैल्यू को आपको इन दोनों लेयर्स को इस एडजस्टमेंट लेयर के नीचे रख देना है आपको। इन दोनों लेयर को आपको जो हमने ये शेप बनाया हुआ था तो उसके जस्ट नीचे रख लेना आपको। और ये देखिए काफी अच्छा सिनेमेटिक लुक आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा आपको जो लुक है आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। और इस टाइप से बहुत ही अच्छे एनिमेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें चाहें तो आप यहाँ पे सिंपल आपका जो टेक्स्ट था तो इस टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा एनिमेशन दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे सिंपल स्केल जो है आप स्केल का एनिमेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे 90 कर दिया है, अब ये बहुत ही अच्छा एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट जो है आपको यहाँ पे देखने मिल जा रही है कि हल्का हल्का सा जो टेक्स्ट है वो आपका स्केल होते जा रहा है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एनिमेशन ऑलमोस्ट आपका जो है बन करके रेडी है। तो फ्रेंड्स यदि आपको भी ये सारे एसेट्स चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए या फिर आपके किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो आप जो है हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे जो है मैं इसकी फाइल अपलोड कर दूंगा, तो वहां से डायरेक्टली आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आज का जो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं, हम जल्द से जल्द उन टॉपिक पे वीडियो लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगा एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।